Welcome back class. आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं क्वालिटी इक्वेशन को हम लोग पिछला क्वालिटी इक्वेशन का वीडियो में देखे थे का method, आज हम देखेंगे, टोटल होता है, मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सेकंड है डिस्क्रिमिनेंट मेथड और थर्ड है फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड पिछला वीडियो में देख चुके हैं क्वालिटी में आज हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे ओके okay. स्टेप्स के साथ क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अच्छे तरह से समझने वाले हैं तो पहला स्टेप क्या है द जेनरल फॉर्म मीन स्क्स बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का फॉर्म में हम लोग को लिख लेना है ये क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वालिटी इक्वेशन सेकेंड स्टेप क्या है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूनिट बाय डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई एस यूनिट क्या होता है यूनिट तो क्या होता है

मेथड जानना बहुत जरूरी है तो ये क्वेश्चन हम लोग फैक्ट्राइस मेथड से भी कर सकते थे क्योंकि ये इजी होता है बहुत इजी है कुछ ही चार से पांच स्टेप होता है आराम से से हम लोग मेथड सॉल्व कर सकते हैं बट सोल्व क्या दिया हुआ है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये ध्यान रखना एग्जाम में एग्जाम में क्या दिया जाएगा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर हम लोग को पता है फैक्ट्राइसर मेथड इजी होता है इसलिए हम लोग फैक्ट्राइस मेथड से, से करके आ जाएंगे पर यह गलती रखना नहीं है यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग द क्वेश्चन ओके

9 से डिवाइड करेंगे 9 -15 9x 6 9 0. देखो 9 -9 कर क्या हुआ एक्स स्क्स थ्री थ्री जा थ्री 3 फाइव जा तो फाइव बाई थ्री एक्स थ्री टू जाक्वल टू जीरो देखो आगे हम लोग का अब थर्ड स्टेप क्या बोला यार बोलास्टेंट टर्म टू आर एच एस

कॉफ़ी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है 5 by 3 मेंस 5 by 3 5 by 3 का होल स्क्वायर 2 into 5 by 2 into 3 का होल स्क्वायर को हम लोग ऐड करना दोनों साइड देखो एक्स का कॉफ़ी क्या दिया हुआ है 5 by 3 तो 5 by 3 का हाफ का होल स्क्वायर मेंस 5 by 6 का होल स्क्वायर तो दोनों दोनों साइड ऐड करना है क्या होगा यहाँ देखो जाओ एक्स फाइव बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री प्लस का होल स्क्वायर देखो यहाँ पर नेगेटिव दिया हुआ है अगर नेगेटिव यहाँ लेते हैं हम लोग तो स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव आ जाएगा फाइव बाई आएगा इसलिए मैंने सिर्फ फाइव बाई थ्री है ठीक है यहाँ पर नेगेटिव हम नहीं लिए क्योंकि कंफ्यूज क्यों करना है तो नेगेटिव पे स्क्त तो नेगेटिव क्या होता है

देखो इसको कैसे देखें एक्स का क्या होता ए माइनस बी का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स आया सेम चीज आया देखो यहाँ पर जो यहां पर था वही सेम चीज आया तो एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क् सकते हैं इसको क्वल टू माइनस टू बाई थ्री प्लस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या है एक्स माइनस फाइव बाई प्लस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सिक्स देखो फाइव का स्कोर क्या होगा ट्वेंटी फाइव और सिक्स का स्कोर क्या होगा थर्टी सिक्स एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वल टू थर्टी सिक्स

मीन्स एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू प्लस वन बाई थर्टी सिक्स क्या रूट ऑफ वन बाई थर्टी सिक्स क्या होगा वन बाई सिक्स होगा क्योंकि थर्टी सिक्स का रूट कितना होता है सिक्स होता है और वन का रूट कितना होता है वन होता है तो वन बाई सिक्स सीखते हैं इसको तो एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू और एक तो टू क्या होगा एक्स माइनस फाइव बाई सिक्स क्योंकि इसका डिग्री टू है क्वालिटी इक्वेशन डिग्री कितना होता है टू होता है मीन्स दो सोल्यूशन आएगा

क्या आएगा एक वन आएगा और एक क्या आएगा? टू बाई थ्री आएगा तो सिंपल क्या करना है हम लोग स्टेप्स फॉलो करना है तोड़ दिए उसके बाद सॉल्व कर दिया आएगा वन बाई वन बाई थर्ट सिक्स आएगा उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर को इधर ले आना होगा राइट हैंड साइड में प्लस माइनस रूट ऑवर ऑफ वन बाय सिक्स ये चीज याद रखना हमेशा

सिंपल नंबर नंबर दिया रहेगा कोई भी फंक्शन हो हम लोग आराम से क्वेश्चन से, से को सॉल्व कर सकते हैं घबराने कोई नहीं में। से, को याद रखना है, सबसे है स्टेप्स जितना भी है सारा को अच्छे से पढ़ना है याद रखना है और स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग को क्वेश्चन बनाना है सिंपल सा स्टेप एक दो तीन चार पाँच चार से पांच स्टेप होता है पांच से छ स्टेप होगा पांच से छह स्टेप्स को सॉल्व करना है आराम से आराम से क्वेश्चन स्क्वायर मेथड का तभी हम लोग डाउट क्लियर हो पाएगा से कि अगर मान लो कोई डाउट है, है, है तो और एक हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्लस वन एक्स प्लस रूट थ्रीवल टू जीरो सोल्व बाई कम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक्स स्क्त प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू जीरो स्टेप्स को देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप्स क्या है इक्वेशन इन जनरल फॉर्म क्या दिया हुआ है रूट थ्री देखो रूट दिया हुआ है, दिया हुआ है? दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं ये भी कॉन्स्टेंट है रूट भी कॉन्स्टेंट है रूट थ्री भी, भी क्या है कॉन्स्टेंट तो घबराने की जरूरत नहीं है कि रूट 3 दिया हुआ है या रूट फाइव दिया हुआ है रूट सिक्स दिया हुआ है कोई भी रूट फंक्शन दिया हुआ है तो आराम से क्वालिटी इक्वेशन जनरल फॉर्म अगर है तो आराम से हम लोग स्क्वायर मेथड से या कोई भी मैथड से हम सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट स्टेप क्या बोला गया ऑप्टन क्वालिटी जनरल फॉर्म दट इज एक्सक्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो तो हमें जनरल फॉर्म में ले आए हैं सेकंड स्टेप क्या है मेक द कॉफिशेंट ऑफ एक्स यूनिट मीनस इसको ऑफ क्या बनाना है वन बनाना है तो ये पहले से ही वन है तो हम लोग सेकंड स्टेप करने की जरूरत नहीं है सेकंड स्टेप को स्किप कर सकते हैं

प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर ऐड करेंगे ठीक okay. है एक्स स्क्वायर प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर माइनस रूट थ्री बाय वन प्लस रूट थ्री प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर दोनों साइड में ऐड कर दिए रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर अब

एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल मीन्स रूट थ्री प्लस एक्स टू टू कट जाएगा रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स रूट थ्री प्लस वन इंटू एक्स सेम चीज आ गया सकते हैं एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा माइनस रूट थ्री

फिर एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल इक्वल्स टू अब आता ही होगा अब क्या होगा एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर रूट थ्री या प्लस टू रूट थ्री क्या होगा माइनस टू रूट थ्री और प्लस फोर तो फोर माइनस टू रूट थ्री देखो फोर इज आ गया और माइनस फोर रूट थ्री प्लस टू रूट थ्री क्या हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री और नीचे जो फोर देखो यहां करते हैं एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वास टू अब देखो फोर को थ्री प्लस वन लिख सकते हैं फोर को थ्री प्लस वन हम लोग लिख सकते हैं माइनस टू रूट थ्री बाई फोर देखो अब फोर को थ्री प्लस वन क्यों लिखिए वो आगे हम लोग समझेंगे राइट एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर एस डी होती है अब देखो थ्री को रूट थ्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से वन को वन का होल स्व लिख सकते हैं आराम से माइनस टू रूट थ्री बाई फोर अगर आप लोग रूट थ्री को थ्री को रूट थ्री का होल स्क्वायर अगर नहीं आता है मान लीजिए कि रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है पता इसलिए और वन का स्कोय को पता है तो वन होता है अब वह एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल देखो रूट थ्री प्लस रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू रूट थ्री इसको ले सकते हैं रूट थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर आराम से ले सकते हैं और फोर को क्या ले सकते हैं टू का होल होता है टू का होल स्क् एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वास टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर देखो रूट थ्री माइनस वन का भी स्कोय का स्कोर रूट थ्री माइनस वन बाई टू का ऊपर होल सकते हैं अब समझ में आया कि फोर को थ्री प्लस वन में क्यों हम लोग तोड़े क्यों स्प्रेड किए फोर को थ्री प्लस वन में क्योंकि रूट थ्री माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर में आ जाएगा अब क्वेश्चन आता है भैया हम लोग को पता कैसे चलेगा कि फोर को तोड़ना है या नहीं अगर हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं एक्स का वैल्यू तो हम लोग का थोड़ा लेंदी आ जाएगा एक्स का वैल्यू आने में थोड़ा लेंदी टाइप हो जाएगा अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं स्क्वायर में आगे आते हैं तो हम लोग आराम से एक्स का वैल्यू निकल सकता है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्स का वैल्यू आएगा बट अगर हम लोग यहाँ पर मान लो फोर माइनस टू रूट थ्री बाई फोर को ही सोल्व कर देते हैं तो एक लेंदी वैल्यू आएगा बहुत है। कोई 2 7 2 का आ गया। कुछ भी आ सकता है बट अगर हम लोग यहाँ पर सिम्पलीफाई करके सॉल्व करेंगे हम लोग तो आराम से एक छोटा वैल्यू आएगा और हम लोग आंसर भी सिंप्लीफाई वे में दिखेगा इसको आराम से सॉल्व करेंगे हम लोग एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या है एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू तो रूट थ्री माइनस वन बाई टू का होल तो हैं जो पिछला पिछला क्वेश्चन बता चुके हैं हम लोग की इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्स टू रूट ऑवर ऑफ ए दिया एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू का प्लस रूट थ्री माइनस वन बाई टू क्यों हुआ? देखो ए का स्क्वायर का दिया हुआ है, तो रूट थ्री माइनस वन बाहर निकल जाएगा राइट अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू क्या होगा रूट थ्री माइनस वन प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू तो वन वन कट जाएगा क्या बोलेगा टू रूट थ्री बाई टूल्यूशन क्या आया रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री प्लस वन बाई टू दिया हुआ है इक्वल टू प्लस रूट थ्री माइनस वन बाई टू तो इसको राइट एंड साइड में ले आए रूट थ्री प्लस वन बाई टू को रूट थ्री माइनस वन बाई टू माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू हो जाएगा इसको एल लेंगे टू तो क्या होगा रूट थ्री माइनस वन माइनस गलती हुआ एक होगा तो यहाँ यहाँ को minus, और यहां क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस हम लोग का हो जाएगा तो क्या बचा वन रूट थ्री रूट थ्री हम लोग कट जाएगा माइनस वन माइनस वन क्या होगा माइनस टू होगा माइनस टू होगा

इक्वल टू माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू हो जाएगा इसको तोड़ दिया हम लोग एक्स इक्व माइनस रूट थ्री प्लस वन बाई टू माइनस ऑफ रूट थ्री प्लस वन टू इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा टू लेंगे माइनस रूट थ्री प्लस वन माइनस रूट थ्री माइनस वन देखो वन वन कट गया हम लोग का अब क्या बचा माइनस टू रूट थ्री बाई टू 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 कट जाएगा क्या बचेगा माइनस रूट थ्री तो एक्स का वैल्यू कितना आया माइनस रूट थ्री एक एक्स का वैल्यू कितना आया और X 3. दो हम लोग का वैल्यू आएगा क्योंकि इसका डिग्री कितना दिया हुआ है दो दिया हुआ है तो डिग्री अगर दो है हम लोग का माइनस हम लोग का आया दो वैल्यू आया एक्स इक्व माइनस वन और एक्स इक्व टू माइनस रूट थ्री तो हमेशा याद रखना जहां डिग्री दो रहेगा मीन में डिग्री टू होता है तो दो सोल्यूशन आएगा एक्स इक्व माइनस वन आया

कंप्लीटिंग जितना भी सारा आप से, सारा आप को लगाना है मीन्स प्रैक्टिस करना है अच्छे तरह से और अगर कहीं भी डाउट आए उस क्वेश्चन में करने में कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग और डाउट आ जाए आप लोग को तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल में फॉलो कर सकते हैं और वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं वहां वन ऑफ वन

स्क्र प्लस फोर प्लस फाइव इक्वल जीरो आया रूट फंक्शन आया अल्फाबेट फंक्शन आया, कोई भी फंक्शन आया हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे राइट तो आप लोग मिल जाएगा हैंडल को जाइए है कीजिए डाउट आए इस चैप्टर में से क्वालिटी क्वेश्चन चैप्टर में से या कोई भी चैप्टर में डाउट आया आप लोग मैथ्स में तो मुझे इंस्टाग्राम में जाकर पूछ सकते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में जाके भी पूछ सकते हो राइट तो इस वीडियो में इतना ही इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करो